हेलो दोस्तों, वेलकम टेक्निकल इसरार यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो गया है या फिर होने वाला है, दोनों केस में ये वीडियो देखना आपके लिए काफी जरूरी है, क्योंकि कई सारे यूट्यूबर के मेरे पास एक ही ईमेल आ रही है कि सर हमने पूरी जान लगा ली पर हमारा मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हो रहा है। कई सारे यूट्यूबर की प्रॉब्लम ये भी है कि सर मैं अच्छी खासी अर्निंग कर रहा था, मेरा चैनल जो है ना मोनेटाइज ऑन हो गया था, पर मेरा अचानक से डीमोनेटाइज हो गया है, सर क्या इश्यू है मेरे को पता नहीं आ रहा है। तो ऐसे में मेरे पास कई सारी ईमेल आ रही है, मैं हर बंदे का इंडिविजुअली जो है ना मतलब इश्यू तो नहीं निकाल सकता, तो मैंने सोचा ये वीडियो आपके लिए बना दो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर मोनेटाइजेशन ऑन हो गया है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, और अगर नहीं हुआ है तब भी किन बातों का आपको ध्यान रखना है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। बट उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि आप सबको पता है कि हम क्वालिटी वीडियो के साथ विश्वास भी देते हैं। दोस्तों, बात करते हैं नंबर वन पॉइंट की। अगर आपका यूट्यूब चैनल अंडर रिव्यू में जाने वाला है या पहुंच गया है और आपका चैनल बिल्कुल भी अप्रूव नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। पहले नंबर वन बात जो ध्यान से सुनना दोस्तों, जो बात अब आपको बताने वाला हूं ये आपको समझना और इसको इम्प्लीमेंटेशन करना भी आपके लिए काफी जरूरी है अगर आपका चैनल अंडर रिव्यू में पहुंच गया है। आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने वीडियो को डिलीट कर दिया है, वीडियो को प्राइवेट कर दिया है, वीडियो को अनलिस्टेड कर दिया है, तो ऐसे केस में आपकी वीडियो का वॉच टाइम नहीं जुड़ेगा। ये चीज आपको याद रखनी है, बार बार मैं ये चीज आपको बता चुका हूं पर फिर भी शायद आपको समझ नहीं आ रही है। अब यहीं पे दूसरा केस मैं आपको बताता हूं, अगर आपने अपने चैनल पे मूवीज डाल रखी है, सॉन्ग डाल रखे है जो कि आपके नहीं है और आप चाह रहे हो कि मेरा मोनेटाइजेशन जल्दी से ऑन आ जाए, तो ऐसे केस में आपको बता दूं कि यूट्यूब का कहना यह है कि अगर आपकी वॉइस है या फिर आपका फेस है, दोनों में से एक भी है, तो आपका यूट्यूब चैनल में मोनेटाइजेशन होने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका कंटेंट 80% है और 20 या 25% आपका किसी और का कंटेंट है, तो ऐसे केस में भी आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अगर आपके चैनल पे कॉपीराइट क्लेम है तब भी वॉच टाइम जुड़ता है, पर अगर आपके चैनल पे कॉपीराइट क्लेम हद से ज्यादा है तो तब भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता है। कॉपीराइट क्लेम का मतलब यही होगा कि आपने किसी और की वीडियो या फिर ऑडियो यूज कर रखी है। अब तीसरा पॉइंट यहीं पे निकल के आता है, अगर आपने मूवीज डाल रखी है, सॉन्ग डाल रखे है, स्टेटस का डाल रखा है, तो ऐसे में आपका चैनल पे वीडियो डिलीट करते हो तो वॉच टाइम आपका तुरंत खत्म हो जाता है, और वो वहां पे जो वॉच टाइम होता है वाईटी स्टूडियो में वहां पे चुका तो रहता है, तो ऐसे में आपको लगता है कि 4000 घंटे का वॉच टाइम मेरा ऑलरेडी हो चुका है, जो कि नहीं होता है। अब आपको बताना चाहूंगा कि अब यूवाईटी स्टूडियो में आप जाओगे, वहां पे मोनेटाइजेशन का ऑप्शन है, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि आपके रियल वॉच टाइम कितना हो चुका है, और वहां पे एक ऑप्शन होता है टिक मारने का, वहां पे टिक मार दीजिए। जब आपका चैनल अंडर रिव्यू प्रॉपर चला जाएगा तो आपको एक ईमेल भी यूट्यूब की तरफ से आ जाएगी। तो बात करते हैं जिनका चैनल मोनेटाइजेशन ऑन हो गया है और वो हवा में उड़ गए हैं, सोच रहे हैं मैं पैसा कमाऊंगा। भाई मैं आपको बता देता हूं कि कई सारे यूट्यूबर के मेरे पास ईमेल आते हैं, जब उनका चैनल मोनेटाइज हो गया है तो वो दूसरे की वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया, कॉपीराइट म्यूजिक डाल दिया, कॉपीराइट वीडियोस डाल दी, तो फिर उनका जो चैनल है वो आ गया है रियूज कंटेंट में। रियूज कंटेंट अगर आ जाता है आपके चैनल पे तो आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाता है, और उसके बाद आपको फिर एक महीना मिलता है, एक महीने के बाद दोबारा से उसको रीअप्लाई आप कर सकते हैं। पर आपको बता दूं कि अगर आप एक यूट्यूबर है तो आप किसी दूसरे का कंटेंट ना चुराएं, आप अपना रियल ही कंटेंट डालें, नहीं तो आपके चैनल पे कभी भी रियूज कंटेंट की प्रॉब्लम आ सकती है। रियूज कंटेंट का मतलब होता है ऐसा कंटेंट जो कई हजार यूट्यूबर्स ने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर रखा हो, तो ऐसे में वो आ जाता है रियूज कंटेंट में। आपके चैनल पे एक वीडियो हो, दो वीडियो, तीन वीडियो हो, वो डिपेंड करता है, तो इसी तरह आप इसको बच जाइए, नहीं तो आपका चैनल अच्छा खासा चलता चलता डीमोनेटाइज हो जाएगा। बात करते हैं आपका चैनल पे सब कुछ सही है, वॉइस आपकी है, चैनल आपका है, आप ही का फेस है, सब कुछ है, फिर भी चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आपको एक फीडबैक सेंड कर दीजिए, तब भी आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। हालांकि यूट्यूब का कहना यह है कि एक महीने के अंदर अंदर हम आपको ये बता देंगे कि आपका चैनल रिजेक्ट हुआ है या अप्रूव हुआ है।
पर आपको एक बात याद रखना है, ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है, अगर आपके चैनल पे सब कुछ सही है तो 8 दिन से पहले जो है चैनल मोनेटाइज हो जाता है। किसी किसी का तो 1 या 2 दिन में भी हो जाता है, जैसे मेरे हुआ था 3 दिन के अंदर ही चैनल में मोनेटाइज ऑन हो गया था। अब सबसे खतरनाक वाली बात यह है, बिल्कुल भी मोनेटाइज नहीं हो रहा है, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गया, 3 महीने हो गया, आपके चैनल पे बिल्कुल ओके है, सब कुछ सही है, फिर भी चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, तो ऐसे केस में आप क्या करें? ऐसे केस में मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, आपको यूट्यूब टीम को वो कंसर्न फॉरवर्ड करना पड़ेगा, जो मैंने उस वीडियो में आपको बताया है वही आपको फॉलो करना है और आपका चैनल भी 101% जो है मोनेटाइज हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, अगर किसी का यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं होता बड़ा दुख होता है, मेरे को भी बहुत दुख होता है, तो ऐसे केस में बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे, मैंने सोचा कि मैं हर किसी का सॉल्यूशन तो नहीं निकाल पाऊंगा, पर इसके लिए मैंने वीडियो बनानी चाहिए। तो मेरे दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में मेरे को जरूर बताना, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। दोस्तों मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद दोस्तों।